टैली चैप्टर 258। आज के ट्यूटोरियल सेशन में हम लोग एक और UDF पर काम करने वाले हैं। अभी 257 वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको उसे देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने इससे पहले का कंटेंट आपको पढ़ाया है कि कस्टम UDF कैसे बनाए जाते हैं। मैं एक बार चेक करा देता हूँ। अभी हमने कस्टम UDF यहाँ पर ये येलो कलर्ड बना रखे हैं, जिसमें हमने फेसबुक ID और डेट ऑफ बर्थ बनाई थी। तो ये हमारा कॉलम था, चाहे वो कॉन्टेक्ट्स में हो या ना हो, डायरेक्ट भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी है, आप सभी को UDF सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको छोटा कर दिया कंटेंट को, आप चाहें तो पूरा कंटेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। ऑलराइट, अकाउंट, जो जो फीचर आपको ऑन करनी है वो आप ऑन रखिएगा इसमें। तो अब बात करते हैं आज के सेशन की 258 की। ये बस एडवाइजरी था कि आप पिछला सेशन जरूर अटेंड कर लीजिए। तो अभी कस्टम जो हमने फेसबुक आईडी बनाई और डेट ऑफ बर्थ बनाया, अब वो हमें एक एक करके चेंज करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा अपने लेजर्स में जा कर के। तो क्यों ना एक काम करें, हम सारे के सारे UDF को एक ही बार में अपडेट कर दें। जैसे हमारा फेसबुक आईडी है, मैंने यहाँ फेसबुक आईडी लिखी, मान लेते हैं Rajiv@1234567, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरी आईडी लिखी, जैसे Jay@1222, जो भी आईडी आपकी है वो कस्टमर की आप एक बार में अपडेट करना चाहते हैं, तो ये टाइम सेविंग है। जितने भी सन्ड्री डेटर हैं उनके UDF फेसबुक आईडी को आप एक ही बार में अपडेट कर देते हैं। एक्सेप्ट किया मैंने इसको, तो मैं अभी कोडिंग आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मिश्रा ट्रेडर्स किसी भी लेजर पर गए और उनकी जो फेसबुक आईडी है वो बदल चुकी है, वो आ रही है जो मैंने वहाँ पर लिस्ट में सेट कर दी थी। तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो हमारा कंसर्न ये है कि कैसे सारे UDF को एक बार में बदला जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है आपको, आपको ना पहले एक रिपोर्ट बनानी होगी, लेकिन अभी आपको रिपोर्ट बनानी तो आती नहीं। ये जो ग्रीन कलर का आपको रिपोर्ट दिख रहा है, वो फॉर्म तैयार करना अभी आपको नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसकी कोडिंग हम आगे के सेशन में करेंगे। अभी मैं आपको ना रेडीमेड फॉर्म दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पिछला चैप्टर अपडेट पैन कार्ड लिया था पहले, उसका GST का वो ले लेता हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक टेम्पलेट उठा लिया, यानी कि रेडीमेड कोड उठा लिया, जो कि मेरे पुराने चैप्टर में से एक है। तो आपको वो बनाने की आवश्यकता है नहीं। रिपोर्ट बनाना मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, लेकिन अभी UDF अपडेट कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो ये रेडीमेड उठा लीजिएगा। कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ब्लॉग मिलेगा सबसे नीचे, वो अभी अधूरा है, उसको टेस्ट करेंगे तो वो उसको एरर दे करके टैली बंद कर देगा। पूरी बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि कई बार साथी आधी बात सुनते हैं कि अरे वहाँ से लिंक मिलेगा और वो वीडियो छोड़ के लिंक पर पहुँच जाते हैं। सो प्लीज़ स्टे विद द वीडियो। सो आई वॉज शेयरिंग वन थिंग दैट इन दिस वीडियो यू विल हैव द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एट द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन लास्ट में मेरा HTML पेज लिंक है, ब्लॉग क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कोड को कॉपी कीजिए, नोटपैड पर पेस्ट कीजिए। अभी वो अधूरा कोड है, आगे के कोड पे बात करते हैं। तो वो सिर्फ फॉर्म के लिए था, ठीक है। तो उस फॉर्म पर हम काम करेंगे। अब इस फॉर्म में आपने क्या करना है कि आपका जो नाम है फील्ड का, जहाँ पर आप फेसबुक आईडी चाहते हैं वो ले लीजिए। तो मेरी आईडी पर ये जो लाइन है, ठीक है, इस पर मैंने ये देखो यहाँ ऊपर फेसबुक आईडी लिखी है, उसके नीचे यहाँ पर ये जो फील्ड है ये मेरा फेसबुक के लिए मैंने यूज़ करना है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। या तो इसका नाम बदल दो, अगर आपको नहीं बदलना है तो भी चलेगा,
बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सबसे नीचे हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। आपको याद होगा एक फील्ड कैसे लिखी जाती है, फील्ड, और उस फील्ड में आपने क्या करना है, फील्ड का नाम लिखना है। जैसे मैंने फील्ड का नाम ऊपर से कॉपी कर लिया, एंटर किया। अब एंटर करके हम नीचे पहुंचे। नीचे मैंने क्या काम किया कि यहाँ पर इसका मैंने यूज़ लिखा। आपको याद होगा 257 में पीछे हमने यूज़ लिखा था। मैंने आपको बताया 6 अलग अलग टाइप के स्टोरेज है हमारे पास सिस्टम फार्मूला में, तो उनमें से एक का इस्तेमाल करना है। अभी टेस्टिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिक डेट ले रहा हूँ क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ लेने वाला हूँ। अभी फेसबुक आईडी इसके बाद लूँगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेट एज करते थे। सेट एज में हमें बस एक छोटा सा काम करना है कि हम क्या डिस्प्ले कराने वाले हैं वो हमें यहाँ लिखना होता है, ठीक है। अब आपने ऊपर जो कल की कोडिंग की थी 257 में, उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक फील्ड बनाई थी। ये देखो ये है, या तो आप पूरे का पूरा यही कॉपी कर लो, ठीक है, ये पूरे का पूरा कॉपी कर लो, और अगर आपको ये कॉपी नहीं करना है तो टाइप कर लीजिए। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या टाइप कर देता हूँ, आधा तो मैंने कर ही दिया है। तो मैं नीचे गया, मैंने यहाँ सेटेज में क्या किया, इसको ब्लैंक कर दिया, फिलहाल एम्प्टी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया मैंने स्टोरेज, ये स्टोरेज, और उस स्टोरेज का नाम ले लिया जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने एक स्टोरेज ऊपर बनाई थी 257 में, हम उससे आगे का पार्ट कर रहे हैं इसलिए वो वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। तो उसका जो स्टोरेज था वो था यहाँ पर DOBD है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डिटेल DOBD, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, विड्थ वगैरह कलर तो हम बाद में लगाएंगे, सिर्फ इतना सा काम किया हमने, इसको सेव किया, कंट्रोल एस टैली पर गए, थोड़ा बाहर आके रिफ्रेश किया, F5 अपडेट पे गए, यहाँ पर सेलेक्ट किया हमने रेडीमेड टेम्पलेट है ना फॉर्म का, तो उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक आईडी नहीं कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, और हमने एक कस्टमर के लिए पहले से 1 अप्रैल मिश्रा ट्रेडर्स पे लगा रखा है, तो हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे। अभी टाइटल भी बदलूंगा, फिलहाल मैं डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बदल रहा हूँ। तो मैंने कहा 2 मई 2000, अगर आप एजुकेशनल वर्जन चला रहे हैं तो मंथ का पहला और दूसरा डेट ही एक्सेप्ट करेगा। मैंने यहाँ पर 31 मार्च 2001 डेट ऑफ बर्थ दे दी और इसे एक्सेप्ट करा दिया, काम कंप्लीट। लेजर को चेक करते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर ऑल्टर मिश्रा ट्रेडर्स, ठीक है। मिश्रा ट्रेडर्स का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल गया, 1 अप्रैल 2000 आ रहा है, और जितने भी सन्ड्री डेटर हैं HSK, ये ले लिया। सो HSK जो हैं उनका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपडेट हो गया 2 मई 2000, और एक और सन्ड्री डेटर हैं, अब मुझे उनका नाम लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, याद नहीं है, मिस्टर रेड हैं, मिस्टर रेड, और मिस्टर रेड के लिए मैंने यहाँ पर 31 मई 2001 दिया था, आपको याद होगा। तो या तो यहाँ से अपडेट कर दो इंडिविजुअल, तो वहाँ फॉर्म पर आ जाएगा, या फॉर्म पर एक ही बार में आप अपडेट कर दो, ठीक है, ये बड़ा क्लियर रहा। अब टाइटल बदलने की बारी आएगी, आप टाइटल बदल लो या कंटेंट बदल लो। अब मैं इसे हटा करके फेसबुक आईडी ला रहा हूँ, तो करना क्या है अपने को, ये जो हमने यूनिक डेट ली है, आपको याद होगा ऊपर मैंने नेम फील्ड बनाया था फेसबुक आईडी के लिए, तो मैंने लिया नेम फील्ड, और यहाँ पर जो उसका स्टोरेज दिया गया है फेसबुक आईडी 257 से, वो मैंने ले लिया यहाँ पर, कंट्रोल एस टैली पर गए, इसको बाहर आके रिफ्रेश किया, F5 अपडेट डेटर्स, ये ले लिया, और यहाँ पर अब फेसबुक आईडी आ रही है, नई आईडी लिख लो अगर ये पहले से ली हुई है टेस्टिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर दिखाया भी था आपको, मैंने A123 कर दिया, B123, C123, तो मेरा टाइम बच गया इसमें फेसबुक आईडी अपडेट करने पे।
अभी डेट ऑफ बर्थ भी इसके बराबर में लेके आएंगे, ठीक है। एस्केप किया मैंने और अकाउंट इन्फो लेजर ऑल्टर मिश्रा ट्रेडर्स को लिया और उनका यहाँ पर बी 123 आ रहा है, सही आया। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी जितने भी कस्टम यूडीएफ आप बनाते हो उनको कैसे यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर उसका यूज़ लगाना होता है जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। आप ऊपर चलो, हमने इसको 257 में फर्स्ट पार्ट में बता रखा है फेसबुक के लिए। ये देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर नेम फील्ड लगाया और उसका स्टोरेज लगाया, एक सेटेज में मैंने ब्लैंक डाल दिया, वहाँ से बन के आ गया। ये बाकी कलर आप ऐड कर लो, ये जितने भी कलर्स आपको ऐड करने हैं वो सारे कलर बैकग्राउंड ये तो सारे के सारे मॉडिफाई हो जाएंगे, और बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपके दूसरे फील्ड की, मतलब ये तो रहा चलो फेसबुक आईडी आ गई। अब इसी रेडीमेड टेम्पलेट में कैसे हम नया कॉलम ऐड करें, तो यहाँ ना फील्ड लिखी हुई है, इस पर आपको एक नाम ऐड करना होगा, जैसे हमने 257 में ऐड किया था, कॉमा लगाएं और मैंने यहाँ लिख दिया मान लो बर्थ डेट, ये हमारा बर्थ डेट हो गया, यानी कि हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं फील्ड का नाम वो बर्थ डेट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नई फील्ड तैयार की, ये फील्ड लिया, फील्ड का नाम मैं कॉपी करके लाया हूँ ऊपर से, एंटर। यूज में क्या करना है, यूनिक डेट फील्ड, ये आ गया। और उसके बाद में सेटेज, सेटेज में क्या लिया, ब्लैंक ले लिया हमने, ठीक है। और हमने स्टोरेज ले ली इसकी, स्टोरेज आपको याद होगा मैंने बना रखी थी डेट ऑफ बर्थ डी, ये हमने ऊपर स्टोरेज ली थी, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम सेव करते हैं और टैली पर चलते हैं, लेकिन बिफोर यहाँ पर जो यूज़ है उसमें मैंने एक ब्रैकेट जो है गलती से एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसको हटा देते नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है। उसको स्टोरेज का फील्ड प्रॉपर नहीं मिलेगा, यहाँ तक सेव करते हैं, टैली पर आ जाते हैं और मैंने इसको कर दिया F5 रिफ्रेश। अपडेट डेटर्स ले लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर पर एक कॉलम राइट साइड में ये आ गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। अच्छा, इसकी विड्थ 25 है, इसकी वजह से ये बढ़ा रहा है क्योंकि हमें फेसबुक आईडी तो बड़ी चाहिए ना, तो हमने इसकी विड्थ को 25 पर एडजस्ट किया हुआ था ये यहाँ पहले, तो अब इसकी विड्थ आप एडजस्ट कर लो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, वो छोटा सा काम क्या रहेगा, वो रहेगा कि आप इस पे यहाँ तक पहुँच गए, अब आपने ले लिया इसका यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर जितने भी कॉलम रिपोर्ट में ऐड करने हैं वो ऐड तो हो जाएंगे, बस उनके फील्ड का नाम लेना है। मान लो मैंने एक और फील्ड ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पर फील्ड नेम ऐड करना है, रिपोर्ट में कितने कॉलम बनाने हैं आपको, मैंने यह लिखा राजीव KKM फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि वो यूनिक फील्ड रहे ना, मुझे पता नहीं मैंने कितनी बार राजीव मिश्रा इस्तेमाल कर रखा है, तो एक और कॉलम आ जाएगा क्या, फील्ड, और फील्ड पे अपने को ये लेना है नाम फील्ड का, यूज़ मैंने मान लो यहाँ पर नंबर फील्ड ले लिया। अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ मैं लिख तो दूंगा कंटेंट, लेकिन उसका डेटा कहाँ से लाऊंगा, वो डेटा तो मुझे मिलेगा ही नहीं, डेटा मेरे पास है नहीं, स्टोरेज है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको अभी सेव करके सिर्फ टैली पर जा करके रिफ्रेश कर देता हूँ। F5 UDF लिया मैंने, डेटर, मैं F5 क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिफ्रेश TDL बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने नंबर ले लिया तो नंबर की वजह से 0 आएगा, परसेंटेज लेता तो परसेंटेज आ जाती। इस तरीके से आपको जितने नंबर ऑफ कॉलम ऐड करने हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब एक छोटा सा काम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है, बड़ा सिंपल सा होमवर्क है,
अपने जितनी भी फील्ड ऐड हो रही है ना, उस पर ऊपर टाइटल नहीं आ रहा है, ठीक है, टाइटल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना मैंने ऐड की है तो फेसबुक वाली टाइटल आ रही है, कंट्रोल एस टैली पर गया, आपने कुछ भी लिखा, टाइटल नहीं आ रहा है। F5 डेटर ये लिया मैंने, टाइटल गायब हो गया। तो अब आपने होमवर्क में क्या करना है, थोड़ा सा कोडिंग में काम कीजिए और टाइटल ऐड कीजिए, आप इसी लाइन का इस्तेमाल कीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना ट्रिक लगाते हैं जिसकी वजह से आप ये ऐड कर पाएँ। वैसे मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ये देखो लाइन ऊपर डिफाइन की गई है, आपको बस क्या करना है कि जो डेट ऑफ बर्थ हम लेकर के आए हैं उसकी लाइन का नाम ढूंढना है और उसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। तो लाइन सर्च कर लो आप, जो भी हमारी लाइनें यहाँ पर डिफाइन हुई हैं उन लाइनों को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है और आपकी हेडिंग भी आ जाएगी। थोड़ा कोड में ऊपर नीचे आपको जाने की आवश्यकता है, तो कोड तो आपको ब्लॉग में मिल ही रहा है, बस बाकी का कोड जो है आपको टाइप करना है, ठीक है, तो उससे आप कस्टम बना लेंगे, फिर मैं आपको रिपोर्ट बनाना भी सिखाऊंगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 257 आप ज़रूर देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। ये देखो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से लाइन आपको ढूंढनी है, और अगर वो लाइन नहीं है तो लाइन टाइप कर लेना, एक नई लाइन बना करके उसको डिफाइन कर देना आप, तो वहाँ पर नीचे टाइटल आ जाएगा। थोड़ा होमवर्क देना ज़रूरी है। तो तीन अलग अलग कॉलम हमने बनाए, और प्रीडिफाइन कॉलम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ना, मैंने ऑलरेडी आपको पता है कि GST के लिए पैन कार्ड के लिए पहले सिखा दिया है, तो वो कर लेना आप। हाँ, तो और इसके बाद में एक ही बार में आप सारा डेटा अपडेट कर देना, कोई भी कस्टम फील्ड बना रहे, जैसे हमारे एक साथी अभी कस्टमर आईडी बना रहे हैं, तो कस्टमर आईडी का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, कि हर कस्टमर के लिए कस्टमर आईडी और प्रीफिक्स लगा देना ना उसमें, फॉर्मूला ऐसा बनाना कि वो ऑटोमेटिक कस्टमर आईडी जनरेट कर दे, जैसे आपने लिखा कस्टमर आईडी 1, उस फॉर्मूला में +1 लगा लेना ताकि वो अगली आईडी +2 कर दे, यानी कि कस्टमर आईडी 2 कर दे। कभी कभी आपको यूनिक बनाने की आवश्यकता होगी, तो फील्ड को जाके देखना, यूनिक बनाने की कोशिश करना, यूनिक यस, ठीक है, अगर इससे काम नहीं बनेगा तो फिर कलेक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ यूनिक कर दिया। अब यूनिक का मतलब है कि जो मेरा फेसबुक आईडी है मैं सेम टू सेम फेसबुक आईडी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा गलती से। ये देखो डेटर ये रहा, तो उसमें ना हमें कलेक्शन बनानी होती है। फेसबुक आईडी मैंने लिखा A1, फिर मैं गया A1 राइट, अब A1 जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखो वो यूनिक है, वो कह रहा है जी डुप्लीकेट एंट्री, आप उसमें डुप्लीकेट नहीं बना सकते हो, वो उसने पकड़ लिया उसको, वो रोक देगा ब्लॉक कर देगा। अगर आप यूनिक नहीं बना पाते हैं तो कलेक्शन बनाना पड़ेगा, वैसे यूनिक से आपका काम बन जाता है, तो यूनिक लगा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ में यूनिक लगा लो, ठीक है, तो वहाँ पर डुप्लीकेसी के चांसेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चैनल पर, एक बार थोड़ा सा आपकी मदद कर दूं, सैकड़ों वीडियो TDL से रिलेटेड बनाई गई हैं आपकी रिक्वेस्ट पर, जो भी वीडियो आप चाहते हैं हम TDL बना के आपसे शेयर कर देते हैं, रेडीमेड कोड है, कस्टम कोड भी है, आपको लगता है कि आपको कोई TDL चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में एग्जाम्पल लिखिए, आपकी वीडियो लिस्ट के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द बना दी जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके काम ही आएगा। और अब चलते हैं टॉपिक पर, यहाँ तो हमारा टैली चैप्टर 258 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं टैली चैप्टर 259 की ओर।